राज्यसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग और मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि कांग्रेस इस मामले में अभी भी सकारात्मक दिख रही है और अपने विधायकों की गलतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल में जो संकट है वो टल जाएगा और जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो अपनी गलती मानकर पार्टी के साथ रहेंगे। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति लोकतंत्र के लिए काफी घातक है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि हिमाचल में जो कुछ भी हुआ है वो लोकतंत्र के लिए एक दुखद घटना है। तो हिमाचल कांग्रेस के लोग इन दोनों लिगेसीज के साथ बंधे हुए हैं, भावनात्मक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जो वर्तमान संकट है उससे हिमाचल कांग्रेस उभर जाएगी और सरकार के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा और सब विधायक अपनी गलती को, जिन्होंने गलत भी किया है, वो स्वीकार करेंगे और फिर से जो है एक झंडे के नीचे आकर के खड़े हैं। कौन लोग हैं वो, कौन इस तरह के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो निर्वाचित सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, कौन लोग हैं? क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है? ये लोकतंत्र के लिए घातक है, निर्वाचित सरकारों को गिराना, प्रलोभन देना और गिरा देना, ये अच्छा संकेत नहीं है राजनीति के लिए भी और लोकतंत्र के लिए। हिमाचल में जो हुआ वो दुखद है और निश्चित रूप से वहाँ का नेतृत्व जो है, जो मैनेजमेंट होना चाहिए था उस मैनेजमेंट को करने में विफल हुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से हिमाचल में जो कुछ हुआ है उसको देख रहा है और तदनुसार जो है आगे क्या हम कदम उठाएंगे उसको उठाने का काम करेगा।